नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 20 सितंबर 2023, बुधवार का दिन है, और यहां पे बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के लिए, थर्सडे के लिए, 21 सितंबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। अगर वीडियो और एंसर्स अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर लाइव मार्केट में बेहतरीन कॉल्स मिलते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। लेकिन अगर उन कॉल्स पे आप ट्रेड करते हैं तो आप अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड करें, क्योंकि पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी होगी। सारे लेवल्स और वीडियोस जो होते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं। आज भी देखिए मैंने बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शन आपको दिए थे, जबरदस्त मूवमेंट, मतलब जबरदस्त मूवमेंट पुट ऑप्शन में आया था, और उसके कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। बिल्कुल आप ज्वाइन करें आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में, अपने स्टडी को पूरा करिए, सीखिए, समझिए, लर्न करिए, देन अर्न करिए। तो चलिए देखते हैं गुरुवार यानी कल जब निफ्टी का एक्सपायरी है तो निफ्टी कहाँ पे एक्सपायरी करेगा, और बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी था और कल वो फ्रेश मूव क्या करेगा। अब देखिए बैंक निफ्टी का ये मूवमेंट देख रहे हैं ना ऊपर, लाइव वाले वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इसी जगह से अगर ऊपर के भाव पे मिल जाए, अगर आपको इस एरिया पे मिलता है 45,900 पे तो सेलिंग बनता है, और मैंने ये भी कहा था कि 45,300 पे अगर मिलता है तो यहाँ से बाइंग बनता है। आप जाके ये वीडियो देखिएगा। फिर जब ये यहाँ तक नहीं गया तो मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस बार बार ये टच करने की कोशिश कर रहा है, यानी ये रेजिस्टेंस बना रहा है और बोरिंग कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आया तो जबरदस्त मूवमेंट बनाया। फिर यहाँ पे भी एक बोरिंग कैंडल स्टार्ट किया, यहाँ से भी नीचे आ गया, यानी कि आज ओवरऑल रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ा। लेकिन मैं खुशी इस बात से भी हूँ कि यहाँ 45,300 से बाउंस आना था, वहां से आके ये 45,450 तक गया। अब ये एक बड़ा रेंज है, आप ध्यान से देखिए, ये एक बड़ा रेंज है, बॉक्स बना हुआ, इसी बॉक्स के ऊपर और नीचे अब ट्रेड बन सकता है। तो आपको इसके समझने के लिए 15 मिनट के चार्ट पर शिफ्ट करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर इन सारे लाइनों को हटा देता हूँ, जितने लाइंस लगे हुए हैं ये सारे लाइन हटा देता हूँ। तो ऊपर अब ये सारे पार्ट्स हट जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब जो इसके पास जो मेन रेजिस्टेंस एरिया ऊपर के साइड में है, सबसे पहला है 45,500। आप देखें क्लोजिंग 450 के आसपास में कर रहा है, ये बढ़िया क्लोजिंग कह सकते हैं, लेकिन अगर ये 45,500 के ऊपर क्लोज करता देन वेल एंड गुड, और भी अच्छा हो जाता। अब ये छोटा सा एक रेजिस्टेंस एरिया, ये एक रेजिस्टेंस एरिया, इसके बाद अगर ये जाता है तो इसके बाद जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो 45,750 के आसपास में आता है। क्लियर। 46,000 को अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, एक आध दिन के लिए आप 46,000 भूल जाइए, इनके साथ गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम 45,900-800 तक जाते जाते थक जाएंगे। नीचे 45,300 इस लेवल को याद रखिए, 45,300 के नीचे अगर निकलता है तो फिर यहाँ से एक सेलिंग लेवल एक्टिवेट हो सकता है, और अगर वापस से 45,300 के नीचे गया तो ये 45,000 के लेवल और 44,800 का अपना पुराना वाला सपोर्ट एरिया को क्लेम करने जा सकता है। तो ऊपर का रेंज भी हमें मिल गया और नीचे का रेंज भी मिल गया। अब इसके बीच के लेवल को हम समझने और देखने की कोशिश करेंगे कि आप देखें 15 मिनट के चार्ट पे फिर जब ये ट्रेड हो रहा था नीचे के साइड में, तो ये फिर इसी बॉक्स में आके फंसा हुआ, एक बॉक्स बना लिया। तो हम कल इस बॉक्स के ऊपर में एक मूवमेंट की उम्मीद करते हैं कि अगर 45,475 और 45,500, ये दो 45,500 अगर इस दो एरिया के ऊपर निकले तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां से बन सकता है। 45,475 से 500 के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, और इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे वो 45,600 और दूसरा टारगेट 45,700। अब ये 45,700 जो है आज का हाई प्राइस के आसपास है, 20-25 पॉइंट और ऊपर पकड़ लिए तो, लेकिन वो रेजिस्टेंस एरिया, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस है 45,700 के आसपास में, वहीं से हम गिर गए। अगर ये एक बार 45,750 के ऊपर टिकता है तो ये फिर 45,800 से लेके 900 तक जाने की कोशिश करेगा, देन बड़ा टारगेट आपको मिलेगा 45,800 से लेके 45,900 तक का, ये दोनों बड़े टारगेट होंगे, और जो मीडियम टारगेट होगा वो ये दोनों टारगेट देखने को बन सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहे इस कंडीशन में, कॉल ऑप्शन आप 45,600 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया। सेलिंग के लिए तो भाई 45,300 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। आज का लो देखिए 45,284 का लो लगाया, यानी कि आप राउंड नंबर को पकड़ ले तो 45,300 का ही लेवल है। तो 45,300 के नीचे निकलने पर फिर से आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। 45,300-45,275 ये दो एरिया है, इसके नीचे अगर निकलता है तो आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अब सवाल यहाँ पे उठेगा कि आप क्लोज कर रहे हैं 45,750 पे, 150 पॉइंट का वेट करेंगे नीचे आने के लिए तब सेल करेंगे? नहीं, रिस्की ट्रेडर आप 45,400 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, ये थोड़ा रिस्की ट्रेडर होगा,
इसके नीचे निकलने के बाद आपको टारगेट 45,300 तक का लेना होगा, वहां पर आपको बुक करना पड़ेगा, ठीक है, अगर इसके नीचे सेल करते हैं। और अगर ये 275 के नीचे निकलता है तो फिर से एक बार री एंट्री बन जाएगा और देन टारगेट बनेंगे 45,200, 45,100 और 45,000 का राउंड नंबर का लेवल। अब आपको यहाँ पे 45,000 पर बता दूं कि 45,000 इसका एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट एरिया है, ठीक है, इसके पास रुक सकता है। लेकिन अगर इसके नीचे निकल जाए तो अब मैं मान के चलता हूँ ये जो पुराना रेजिस्टेंस हुआ करता था वो था 44,900 से 44,800, अब वो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो बहुत हद तक ये 44,900 से 800 तक एक बार क्लेम कर सकता है, देन ये एरिया फिर बाउंस का एरिया बनेगा, यहाँ से फिर बाउंस देखने को बन सकता है, यहाँ से कॉन्ट्राटेड बन सकता है। लेकिन चूंकि फर्स्ट अटेम्प्ट आपने सेल किया इस लेवल के नीचे, तो आप पुट ऑप्शन लेना चाहेंगे जरूर पुट ऑप्शन ले सकते हैं, आप 45,100 का भी ले सकते हैं और 45,300 का भी लेके चल सकते हैं, 45,300 का पुट ऑप्शन। इंडेक्स नीचे आ जाएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देने की संभावना बढ़ा देगा। अब ऐसा कंडीशन भी हो सकता है कि इस तरह की चीजें ना हो और ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाए, गैप अप इन केस, और ये डायरेक्ट 500 पॉइंट खुल सकता है, तो कहीं कहीं ये 46,000 के आसपास खुलेगा या 45,900 पे। तो वीडियो के शुरुआत में मैंने ही बताया भी कि यहाँ पर एक अब ये हर्डल बन गया, इसके लिए बहुत ही कष्ट है इसको ब्रेक करने में, 46,000 45,900। और ये अब सारा ग्लोबल मार्केट पे डिपेंड करेगा, वो डाउ पर, साथ ही फेड का जो ब्याज बढ़ाने का मामला है वो सब पे। तो इसलिए आपको गैप अप में ध्यान रखना है कि अगर इस लेवल पर गैप अप हो जाता है इनकेस 46,000 पर और 45,900 पे, तो ये दोनों ही एरिया सेल ऑन राइज होगा, यानी कि सेल करना होगा। और यहाँ पे आपको टारगेट बनेंगे 45,800 से लेके वापस 45,700 45,600 45,600 और 45,500, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है नजदीक में, है ना, 452 लगाया तो लगभग वहीं पर यहाँ तक वापस आ सकता है। आप पुट ऑप्शन ऊपर से लेना चाहें तो 46,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन मिलेगा, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और इनकेस अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो जाए, इसी तरह से अगर ये नीचे खुलता है 45,000 पर, मान लेते हैं एक कंडीशन हो सकता है 44,900 पे खुल सकता है या 44,800 पे खुलता है, जितना बेहतर हो। अगर ये 44,800 के आसपास खुले, जितना बेहतर हो ज्यादा अच्छा, तो यहाँ पे एकदम फौरी तौर पे बाय बनेगा। 44,900 पे भी बाय कर सकते हैं और 45,000 पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन 45,000 पे अगर आपने बाय किया तो नीचे आने के कंडीशन में आपको बाय ऑन डिप करना होगा, यानी कि क्वांटिटी को एड करना होगा। देन आप जो टारगेट होगा ऊपर की साइड में 45,100 से लेके 45,500 तक के टारगेट वापस से अपसाइड में बाउंस होता हुआ मिल सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें इस कंडीशन में तो आप 45,100 के ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे ये इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर है, ये बैंक निफ्टी का ओवरऑल दोस्तों व्यू है थर्सडे के लिए। अब हो सकता है कि आप लोग जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो अच्छी बात है, कुछ लोग निफ्टी में ट्रेड करते तो हमें तो उसको भी देखना है। ओवरऑल हमारा ब्रॉडर इंडेक्स है, तो ब्रॉडर इंडेक्स की सबसे पहले हम लोग डेली के चार्ट पर देखेंगे क्या स्कीम चल रहा है, इसका क्या हिसाब है। हिसाब गंदा है, मैं कहूंगा कि हिसाब गंदा हो गया। अब गंदा ये आप कैंडल देख रहे हैं 11 सितंबर वाली, इसने लो लगाया था 19,865 का, आज का लो देखते हैं 19,878। तो आप कह सकते हैं कि यही एरिया अब इसके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी है और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का भी काम करेगा इसके नीचे अगर आ जाता है तो, क्योंकि आप देख रहे हैं मल्टीपल टाइम यहाँ पे ब्रेक करके नहीं जा पा रहा था ऊपर, फिर जब ब्रेक किया तो बहुत अच्छा से ऊपर गया। तो अगर सेलिंग बनता है तो 19,850 के नीचे बनेगा, ये ध्यान रखना 19,865 के नीचे 50 के नीचे होगा अगर ये कल ब्रेक करता है तो आपको ये ध्यान रखना है। अभी आप क्लोज कर गए 19,900 पे, तो 19,850 से ज्यादा दूर नहीं है, मात्र 50 पॉइंट की दूरी है आपको। तो इस एरिया के नीचे निकलने पर सेलिंग बढ़ेगा, इस हिसाब से हम समझेंगे इसको अब छोटे टाइम फ्रेम पर आके कि ये हमारा मल्टीपल सपोर्ट एरिया है। अगर हम इस एरिया के नीचे निकल गए यहाँ पर कहीं, तो हम 19,850 के नीचे आपको सेल की पोजीशन करनी चाहिए और इस कंडीशन में टारगेट आप 19,825 और 19,800 का छोटा वाला टारगेट लेंगे और 19,800 के आसपास देखेंगे तो मल्टीपल टाइम कैंडल ने रुका है यहाँ पे, तो एक बार हो सकता है यहाँ पे रुक जाए। अगर इन केस इसके नीचे आ जाए किसी कारण में, तो 19,775 और 19,750 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। बड़े टारगेट की तरफ जाएंगे तो 19,725 से 19,700 का, हालांकि 700 के नीचे नहीं जाना चाहिए, मुझे लगता है 750 ही इसके लिए काफी है, 750 775 ही वहां से बाउंस कर सकता है।
इन केस ये लेवल आपको याद रखना है कि अगर इसके नीचे अगर सस्टेन करते रह गया तो 1725 से 700 तक आ जाएगा, 700 फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर से चूंकि आपने सेल किया है तो पुट ऑप्शन लेना बनता है, यहाँ 19850 की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये यहाँ से बाउंस करके ऊपर की साइड में भाग गया ठीक है, तो हमें बाइंग का, क्योंकि यहाँ पर भी इसने देखिए मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, तो हमें इस एरिया के ऊपर याद रखना है कि हमें बाइंग करने की कोशिश करना है, और उसका प्राइस आता है 19930 का और 19950 का। तो अगर आपको बाइंग करना है तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि 19950 के ऊपर की बाइंग अच्छी खासी बनेगी, क्योंकि 19900 पर हम क्लोजिंग भी कर रहे हैं तो 19950 के ऊपर बाइंग बनेगा। रिस्की ट्रेडर हैं तो 19925 के ऊपर भी बाइंग करके चल सकते हैं। इस कंडीशन में आपके टारगेट बनेंगे 19975 और 20,000 का छोटा वाला एक टारगेट आपको बनेगा 20,000 का। ये अभी साइकोलॉजिकल लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ पे मल्टीपल टाइम रुका है, आप देखें कैंडल यहाँ पे बार बार रुका है 20,000 के आसपास में, तो हो सकता है यहाँ पे भी आने के बाद ये इस तरह से रुके और 20,000 के ऊपर अगर निकल गया तो देन टारगेट आपको 20,025 के टारगेट बनेंगे और इसके ऊपर 20,050 का टारगेट बनेगा। बहुत ये जो हाई प्राइस है यहाँ तक बहुत अच्छा रहा, तो हो सकता है गैप फिल कर दे तो 20,100 तक के लेवल का वेट कर सकता है, हालांकि इसके चांसेस कम है, 20,100 का चांसेस कम है, 20,050 जाते जाते थक सकता है। कॉल ऑप्शन यहाँ पर से लेना बनता है तो 19,950 का लिया जा सकता है कॉल ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन हो गया किसी कारणवश और ये डायरेक्ट यहाँ से गैप अप खुल जाता है डायरेक्ट 20,100 पर, इतना 150 पॉइंट से ज्यादा का अगर गैप अप खुल जाता है तो यहाँ कहीं ना कहीं 200 पॉइंट खुल जाता है तो ठीक है, तो आपको एक मूवमेंट, ये रेजिस्टेंस का काम है। अब ये 20,100 जो है ना एक रेजिस्टेंस का एरिया, अगर इस यहाँ पे इसके आसपास में गैप अप खुलता है किसी कारणवश, अगर इस एरिया पे खुले या डायरेक्ट 20,050 पे भी खुले, ये दोनों ही एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा गैप अप में, तो आपको यहाँ पे सेल का पोजीशन के लिए सोचना चाहिए गैप अप में, सेल का पोजीशन है ना, तो सेल करेंगे हम लोग यहाँ पे। टारगेट नीचे की साइड में बनेगा 20,025 से लेके 19,950 तक के टारगेट आराम से आता हुआ मिल सकता है, और अच्छा रहा तो ये 19,900 तक को क्लेम कर लेगा। पुट ऑप्शन लेना चाहिए यहाँ से अगर सेलिंग किया तो 20,100 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चला जा सकता है, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर, ये गैप अप सिनेरियो में। और अगर इनकेस ये गैप डाउन हो गया यानी कि डायरेक्टली नीचे ही खुल गया, गैप डाउन ही खुल गया, तो अगर ये 19,800 पे खुल जाए, 19,750 पर खुल जाए और 19,700 पे, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर ये 19,700 पे खुल गया तो एकदम बाइंग बनेगा ही बनेगा, क्योंकि बढ़िया सपोर्ट है, 19,700 पर भी बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर 19,800 पे खुलता है आपको ये देखना है कि क्या यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, यानी कि 19,810, 1820 आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हो सकता है ये 19,800 पे खुले थोड़ा नीचे आए और नीचे आने के बाद देन ऊपर जाती, ये आपको ध्यान रखना है। 19,800 पे भी आप बाय कर सकते हैं लेकिन अगर नीचे आ गया तो क्वांटिटी एड करना होगा, यानी कि बाय ऑन डीप। इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा वो 19,825 से 19,950 तक के टारगेट देखने को बन सकता है। कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है यहाँ से 19,850 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का सारा लेवल है जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है 21 सितंबर 2023 के लिए थर्सडे के लिए। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेड मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स वगैरह और स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।